नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूरे देश में विरोध हो रहा है। दरअसल बीजेपी और एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी का विरोध सड़क से संसद तक किया जा रहा है। वहीं बलरामपुर में बड़ी संख्या में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। खबर अलीगढ़ से है जहां किसान संगठनों को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज किसान नेता राकेश टिकैत अलीगढ़ में भी किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने आए थे, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने के सवाल पर कहा कि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा है। वो बाहर चला जाएगा, पैच जब उसका ठीक हो जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो मानते हैं फूट तो है? नहीं, फूट नहीं है, आपस का है। पहली बार भी यहाँ पे हुआ था कि दो ज्ञापन दिए गए। अब एक ही जाएगा जिसको ये लगता होगा कि मेरा वो हैर में दूसरे के साथ नहीं जाओगा, वो बाहर आराम कर लेगा थोड़े से दिन, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या कहेंगे जो लुल्लू मॉल को लेकर के नमाज का मामला देखने को मिल रहा है तमाम? उसमें तो ये पता चला कि हिंदू थे, नमाज उल्टी पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे, किसकी साजिश है? अरे साजिश तो बीजेपी वाली दूर होती है सारी। ये सारी जो भी कर्म कांड हो रहे इनके, ये एक पैर भी बगैर ऐबदारी के धरते नहीं। क्या 2024 के इलेक्शन की तैयारी? ना जीतेंगे यही, बेईमान ने तो जीतेंगे, वोट जनता देने की नहीं, और जीतेंगे यही। खबर मथुरा से है। मथुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लेने पर एसडीएम नीतू रानी ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं एसडीएम नीतू रानी ने बताया कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने किसी दलाल को या किसी विभाग के कर्मचारी को रिश्वत दी तो उसकी खैर नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे मुझसे संपर्क करें। फिलहाल कोई नया आवेदन नहीं हो रहा है, जो पात्र हैं आवास योजना के लिए मुझसे सीधे मिल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डिमांड एज फी के रूप में या किसी भी रूप में मांगा जाता है तो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई आता है, कोई सर्वेयर ही है या कोई डूडा के नाम पे मांगता है या किसी भी नाम पे मांगता है कि आपकी किस्त जल्दी पहुंचा दी जाएगी, तो आप ऐसे किसी भी बहकावे में ना आए। सीधे आप हमारे पास आएँ, डूडा ऑफिस आ सकते हैं, हमसे आप आके कंप्लेंट कर सकते हैं, हम उसकी जाँच कराएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मूसलाधार बारिश के चलते जिला मुख्यालय भवाली नैनीताल मार्ग में पहाड़ से पत्थरों के आने से सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। दरअसल कई दिनों से सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते पाइंस के समीप हुए भूस्खलन से सड़क भी गायब हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर जिला अधिकारी और SSP मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद जिला अधिकारी ने मलबा हटाकर जल्द सड़क खोलने के निर्देश दिए हैं। सितारगंज में स्पा सेंटर में ह्यूमन ट्रैफिक टीम ने छापा मारकर सेंटर संचालक समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। टीम ने सेंटर में मौजूद 2 युवतियों से पूछताछ की है। इसके अलावा टीम ने मसाज सेंटर में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद करने के लिए तलाशी भी ली। कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित BDC बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। बता दें कि जनप्रतिनिधियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया है और जिला स्तरीय अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दरअसल BDC बैठक में जब कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों का पारा चढ़ गया, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने आक्रोशित होकर BDC बैठक का बहिष्कार कर दिया।
जनप्रतिनिधि है, कम से कम 2530 किलोमीटर दूर पैदल माने यहाँ पे पहुँचे। ये बरसात के मौसम में कई जगह पर रास्ते टूट रखे हैं, तब भी वो यहाँ पे हमारी बैठक में बीडीसी बैठक में उपस्थित हैं, लेकिन जिला स्तर का यहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसलिए हमने बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया। और आपदा में हमारे जो भी यहाँ पे प्रस्ताव जाते हैं वो लोग कहते हैं कि जिला स्तर पर उस प्रस्ताव को भेजो, लेकिन जब यहाँ पर जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं आते हैं तो हम उस प्रस्ताव को किसके पास भेजेंगे। जो है कि 15 दिन से हमारा एजेंडा चलता है, जिला तक हमारी जो एजेंट है कि कॉपी है उन तक जाती है, लेकिन जब मैंने डीपीसी के दिन भी बात रखी थी डीएम साहब से के सामने क्या हमारी 29 को बैठक है, जिला स्तरीय कर्मचारी पहुंचने चाहिए सक्षम अधिकारी, लेकिन उस बावजूद भी आज वो जिले अधिकारी कोई भी सक्षम अधिकारी हमारे बैठक में नहीं पहुँचे। और हमारे जबकि प्रधानगण क्षेत्र पंचायतगण सारे लोग इतने दूर से पैदल चल के दूरस्त गाँव होकर महिला होकर सभी लोग यहाँ पर पहुँच रखे हैं और हमारे एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। क्या हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं या हमारे गांव का हमारे पूरे विकास खंड का ये विकास नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमारे कई समस्याएं हैं, प्रधानों की समस्याएं हैं, क्षेत्र पंचायतों की समस्याएं हैं, और हमारा समस्या का समाधान जब तक जिला स्तरीय अधिकारी नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। क्या करना है यहाँ पे? सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत यहाँ पे आए, हमारे प्रधान संगठन यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे कोई वो उच्च स्तरीय अधिकारी है ही नहीं। क्या करना उस बैठक के लिए? हमें यहाँ पे उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा, हमें पूरे जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा, क्या हम बेवकूफ़ हैं? हमारे पूरे यहाँ से लेकर के पूरे हमारे जो भी प्रस्ताव बनते हैं यहाँ उच्च स्तरीय प्रस्ताव बनते हैं, क्यों हम ऐसा क्यों माने? आज के बाद अगर ऐसे ही हुआ तो हम यहाँ पे धरना करेंगे और हमारा ये अमरनाथ जरूर रहेगा। खबर काशीपुर से है, जहां एक होनहार युवक शगुन उर्फ श्लोक ने एक ऐसा रैप लिख दिया जिस भाषा को पढ़ना और लिखना इतना आसान नहीं है। दरअसल शगुन उर्फ श्लोक ने संस्कृत भाषा में एक रैप सॉन्ग गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर देश का गौरव बढ़ाया है। अपने सपनों की उड़ान ने श्लोक भारद्वाज के नाम कई खिताब लिख दिए। पहले भी श्लोक भारद्वाज द्वारा देश के अंदर पहला ऐसा रैप सॉन्ग गाया गया जिसमें हर शब्द की शुरुआत बाज शब्द से हुई, जिसे गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया था। अब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास ने फिर एक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब श्लोक ने अपने नाम कर लिया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए। मैंने जो ये रैप बनाया है इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं, इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। हम दोनों एक दूसरे को 6th क्लास से जानते हैं, जब हम दोनों स्कूल में थे। ये मेरा 6th क्लास से दोस्त है और मेहनत तो ये करता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। इसने 10th 11th से रैप स्टार्ट करी थी करना और फिर धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते ही रहा है। बीच में काफ़ी संघर्ष हुए लेकिन इसने हार नहीं मानी अपनी, आगे लगातार बढ़ ही रहा है और यही है आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। एक ऐसी भाषा ये इसने बहुत अच्छा रैप लिखा है और इसके आगे लिए मैं इसने जो संस्कृत भाषा में रैप लिखा है ये हमारे देश के कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। कर्णप्रयाग में व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य बाजार में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इसके बाद व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया। व्यापारियों का कहना है कि आज कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकार द्वारा व्यापारियों पर कई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं जिससे व्यापारी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। व्यापारियों ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई से तो आम जो मिडिल वर्ग है वो ख़त्म होने के कगार पे है। आज
आटे पे भी जीएसटी लग गई, तेल पे जीएसटी लगी, खाद्य पदार्थों पे केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दी है। आटा 40 रुपये से ऊपर आज रेट हो गए हैं, जिससे हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये करते हैं कि निगम वर्ग को देखते हुए कुछ राहत दी जाए। प्रांतीय व्यापार उद्योग मंडल आंदोलित रत है, कई व्यापारी हमारी इकाइयों ने कल पुतला दहन किया, तो हमने आज समय लिया था और जो जीएसटी के नाम पे हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उनका सर्वे किया जा रहा है और जो लाखों जो फेरी फट फेरी वाले माल बेच के चले जा रहे हैं उनका कहीं सरकार जीएसटी नंबर नहीं देगी। जो व्यापारी सरकार को टैक्स दे रहा है, नगर पालिका को टैक्स दे रहा है, उस व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर तुरंत जीएसटी का सर्वे बंद नहीं किया गया तो व्यापारी लंबा आंदोलन करेंगे। हाथरस में सदर कोतवाली क्षेत्र के पास स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया है। जौनपुर के रामपुर ब्लॉक में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बता दें कि रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव का खेल 15 दिन पहले से शुरू हुआ। वर्तमान में रामपुर ब्लॉक में 99 बीडीसी हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रत्याशी नीलम सिंह ने 55 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल सिंह को 44 वोट मिले थे, लेकिन आज राहुल सिंह 56 बीडीसी के साथ डीएम कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बारहमासी के पास अवैध रूप से घूस मांगने पहुंचे क्राइम ब्रांच के सिपाहियों को पीड़ित परिवार के लोगों ने पकड़ लिया और वीडियो बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के सिपाही भागने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच के दोनों सिपाही घूस मांगने के लिए मेरे पति को जमकर पीटे और 3 लाख रुपये की मांग की। खबर हाथरस से है। हाथरस में धड़ल्ले से एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान में चल रहे सेक्स रैकेट में सम्मिलित एक लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के सर्कुलर रोड का बताया जा रहा है। हरदोई में एक कुरियर कंपनी में अकाउंट प्रबंधक को ऑनलाइन जुए की लत ऐसी लग गई, जिसमें उसने लाखों रुपए गंवा दिए, जिसके बाद उसने कंपनी में ही कई बार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि उसने बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देकर सीसीटीवी में न दिखाई दे, इसलिए DVR भी चोरी कर ली, लेकिन पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 27/7 को थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई में एक कुरियर कंपनी के मालिक द्वारा सूचना दी गई कि उसके शॉप से कुछ लैपटॉप, नकदी, DVR इत्यादि चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा तहकीकात की गई तो कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि CCTV फुटेज में कोई जाता हुआ तो दिख रहा था, कोई भी ताला टूटा नहीं था, ऐसा लगा कि जैसे उसको खोल करके चोरी की गई है। इस संबंध में गहन पड़ताल पर ऑफिस में ही काम करने वाले एक प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति पर शक हुआ। पुलिस द्वारा मुखबिर लगाकर उसको पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि उसी के द्वारा ये 3 लैपटॉप्स, DVR पावर सप्लाई इत्यादि चोरी किए गए थे। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसको ऑनलाइन जुए की लत थी, तो वो एक बेट करके साइट पर उसने काफ़ी सारा पैसा हार गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।